हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ नई शिक्षा नीति 2019 का। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि अब हमारी नई शिक्षा नीति क्या है। जैसे कि अगर हम टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो हमें अब क्या नियम फॉलो करने होंगे तभी हम बन सकते हैं, इस सभी चीज़ों के बारे में मैं जानकारी देने वाली हूँ कि अब नया क्या हुआ है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। मोदी सरकार की दूसरी बार शपथ ग्रहण करते हुए शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव के संकेत मिले हैं। कस्तूरी रंगन कमेटी, ठीक है, नई शिक्षा नीति कौन लाई है, तो कस्तूरी रंगन कमेटी ने नए शिक्षा नीति का ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया है। देश के नए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जैसे ही मानव संसाधन विकास मंत्री के तौर पर कुर्सी संभाली, उसके कुछ देर बाद ही नई शिक्षा नीति बना रही कमेटी ने ड्राफ्ट सौंप दिया। कस्तूरी रंगन कमेटी ने वासुदा कामत, SNDT की पूर्व वाइस चांसलर और अमेरिका में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में गणित के प्रोफेसर डॉक्टर मंजुला भार्गव शामिल है, और न्यू राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट में 5 आधार स्तंभ है। ठीक है, 5 आधार स्तंभ है, अभिगम, न्याय संगत, गुणवत्ता, वहन करने लायक और जवाबदेही। ये 5 स्तंभ है कौन कौन सा, तो अभिगम, न्याय संगत, गुणवत्ता, वहन करने लायक और जवाबदेही। समिति ने मानव संसाधन विकास, मतलब इसका शॉर्ट होता है HRD, ठीक है, का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय MOE करने का भी प्रस्ताव दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट में प्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक मुफ्त और अनिवार्य स्कूली शिक्षा सिफारिश की गई है। मौजूदा शिक्षा नीति के तहत यह केवल कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए है। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या है कि 12वीं कक्षा तक मुफ्त और अनिवार्य स्कूली शिक्षा की सिफारिश की गई है। मौजूदा शिक्षा नीति के तहत ये केवल कक्षा 8 तक के लिए है। तो नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि बच्चों को कम से कम 5वीं तक मातृभाषा में ही पढ़ना चाहिए, मतलब हमारा मातृभाषा हिंदी है, तो इस शिक्षा नीति में कहा गया है कि बच्चों को कम से कम 5 तक मातृभाषा में पढ़ना चाहिए। पहली क्लास में बच्चों को 3 भारतीय भाषाओं के बारे में पढ़ाना चाहिए, जिसमें वो इन्हें बोलना सीखे और इनकी स्क्रिप्ट पहचाने और पढ़े। नई शिक्षा नीति का ये ड्राफ्ट इसरो के पूर्व प्रमुख कस्तूरी रंगन के नेतृत्व वाली कमेटी ने तैयार किया है। नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में प्री स्कूल से 12वीं तक मुफ्त अनिवार्य स्कूली शिक्षा की सिफारिश, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। ठीक है, अब देखते हैं, मोदी सरकार के दूसरी बार शपथ ग्रहण करते ही स्कूली शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए शिक्षकों को पढ़ाने के लिए 4 साल का BEd का कोर्स करने की सलाह दी गई है। देखिए, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि स्कूली शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए शिक्षकों को पढ़ाने के लिए 4 साल का BEd का कोर्स करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया है, और मौजूदा शिक्षा नीति 1986 में तैयार हुई थी और 1992 में इसमें संशोधन हुआ था। नई शिक्षा नीति 2014 के आम चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा थी। तो ये कुछ हमारी भारत की नई शिक्षा नीति 2019 की है, तो आपको जानना जरूरी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो बस आप सभी को यही इन्फॉर्म देनी थी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, और एक ऐसे ही अपडेटेड आप रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।